हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप जानते हैं, आपको बताया गया था बिहार दरोगा का जो 1275 पोस्ट जो दिया गया था, तो इसका जो फॉर्म फिल करने का जो डेट है इसका दे दिया गया है। कब से फॉर्म फिल होगा? तो 5/10/2023 से जो इसका फॉर्म जो फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, 5/10/2023 से। तो जो 5 अक्टूबर से जो आपका फॉर्म फिल होना जो स्टार्ट हो जाएगा बिहार दरोगा का, तो काफ़ी अच्छी खुशखबरी आपका 1275 पोस्ट के लिए जो था आपका 1275 पोस्ट, मतलब 1275 पोस्ट के लिए जो आपको बिहार दरोगा का जो फॉर्म जो निकाला गया था, ये जो आपका फिल होना स्टार्ट हो जाएगा आपका 5/10/2023 से फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जान लेते हैं, कुछ बातें जान लेते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है, हर एक चीज़ जान लेते हैं इस वीडियो में, ताकि आपको फिर दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए जान लेते हैं आवेदन के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए। तो आपका क्या भाग इंडियन होना चाहिए, ठीक है। आप पुरुष, महिला अथवा जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो 1/8/2023 तक इसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब आपका 1/8/2023 तक जो है आपका 1/8/2023 मतलब 1/8/2023 तक जो आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है आपको ग्रेजुएशन जो है पास कर परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसका समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब 1/8/2023 तक जो आपको ग्रेजुएशन जो पास होना अनिवार्य है। आपकी एज, आपका एज क्या है? तो उम्र सीमा गणना किया जाएगा 1/8/2023 से किया जाएगा। 1/1/2023 के आधार पर जो की जाएगी उम्र की गणना। तो अभ्यर्थी की उम्र जो है 1/8/2023 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नलिखित होनी चाहिए। जैसे आपका अनारक्षित मतलब सामान्य मतलब जनरल के लिए जो आपका उम्र जो है न्यूनतम कितना आपका 20 साल है, जनरल के लिए न्यूनतम उम्र कितना आपका 20 साल है और अधिकतम कितना आपका 37 साल है। जनरल के लिए अधिकतम उम्र कितना आपका 37 साल है। तथा महिलाओं के लिए जो है न्यूनतम उम्र है 20 साल है और अधिकतम उम्र कितनी है 40 साल है, और महिलाओं के लिए कितनी है 40 साल है जनरल के लिए, ये जनरल की बात किया गया है। तो पुरुष के लिए जो न्यूनतम है 20 साल है और मैक्सिमम जो आपका 37 साल है, और महिला जो आपका मिनिमम जो आपका 20 साल है, मैक्सिमम जो आपका 40 साल तक है, जनरल की बात किया गया। अब देख लेते हैं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा, मतलब वो पिछड़ा वर्ग मतलब EBC हो गया और PC हो गया, तो उसके बारे में देख लेते हैं। पुरुषों महिलाओं के न्यूनतम उम्र, तो न्यूनतम उम्र आपका 20 साल है और आपका अधिकतम उम्र कितना आपका 40 साल है। ये महिला पुरुष दोनों की बात किया गया आपको OBC में, तो न्यूनतम उम्र कितना 20 साल फॉर्म फिल करने का और अधिकतम उम्र कितना 40 साल है। और देख लेते हैं ST SC के लिए देख लेते हैं, तो पुरुषों महिलाओं के लिए ST SC के पुरुषों महिलाओं के लिए तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए, तो न्यूनतम जो आपका 20 साल है और अधिकतम जो आपका 42 साल है, तो न्यूनतम आपका 20 साल अधिकतम कितना आपका 42 साल है। बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम उम्र सीमा जो है 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो, तो उनको जो 5 वर्ष की जो छूट दी जाएगी। और आपका असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम जो है आयु सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताए गए सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक न हो। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि के आधार पर की जाएगी। यह है शारीरिक अभ्यर्थियों शारीरिक मापदंड, ऊंचाई सीना वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी न करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। तो ऊंचाई आपका जो अनारक्षित जनरल के जो आपका और OBC के लिए आपका पुरुषों के लिए जो आपका 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, जनरल और OBC के लिए जो आपका पुरुष में 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो 160 सेंटीमीटर, या वो पिछड़ा वर्ग मतलब BC के लिए जनरल और BC के लिए आपको चाहिए 165 सेंटीमीटर हाइट, और अत्यंत पिछड़ा मतलब EBC वर्ग के पुरुषों के लिए जो 160 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों SC और ST के पुरुषों के लिए जो न्यूनतम जो 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, न्यूनतम 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और सभी वर्गों की महिलाएं, चाहे वो जनरल हो, चाहे OBC हो, चाहे वो ST SC हो, किसी भी कैटेगरी की हो, उन्हें जो है 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए न्यूनतम। और सीमा सिर्फ पुरुषों के लिए अनारक्षित जनरल मतलब जनरल हो गया पिछड़ा वर्ग
सीना मतलब पुरुषों के लिए जो है सिर्फ पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए मतलब आपका सीना नहीं ये किया जाता है, आपका मेजर नहीं किया जाता है। तो पुरुष के लिए जो आपका जनरल जनरल और पिछड़ा वर्ग बात है पिछड़ा वर्ग जनरल पीसी और बीसी के लिए जो है कुल 81 सेंटीमीटर जो है न्यूनतम होनी चाहिए, बिना फुलाए जो है 81 सेंटीमीटर हाइट चाहिए बिना फुलाए हुए, और फुला कर जो आपका 86 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए बिना फुला कर 81, और फुला कर जो आपका कितना हो जाना चाहिए 86, मतलब नॉर्मल आपका 81 और फुला कितना होना चाहिए 86, मतलब 5 सेंटीमीटर इंक्रीज करना चाहिए, यह न्यूनतम है। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए जो है बिना फुलाए जो 79 सेंटीमीटर और फुलाकर जो है कितना 84 सेंटीमीटर, मतलब बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर जो है 84 सेंटीमीटर न्यूनतम है। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम जो है वजन 48 केजी होना आवश्यक है। और किन्नर हो गए, किन्नर कोथी हिजरा ट्रांसजेंडर और थर्ड जेंडर के जो अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछले वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होगी, मतलब पिछले वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होगी। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, तो लिखित परीक्षा होगा, आवेदन पत्रों के संग्रह के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी, जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा दो चरणों में होगी, यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा, मतलब पीटी और मेंस होंगे, और सभी में जो है बहुकल्पिक प्रश्न होंगे, पीटी मेंस में दोनों जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। तो प्रथम चरण आपको प्रारंभिक परीक्षा जैसे पीटी कहते हैं, इसमें आपका 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें कुल प्रश्न संख्या कितने 100 प्रश्न होंगे और मार्क्स कितने नंबर के 200, मतलब हर एक क्वेश्चन का जो होता है 2 मार्क्स होंगे, एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होंगे, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स का, और अवधि कितना मिलेगा 2 घंटे का समय मिलेगा। उक्त प्रश्न में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में अंक प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियां जो है 20,000 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा, मतलब पीटी में जो है 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, और फिर मुख्य परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दिशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जाएगा। अब द्वितीय चरण में आपका मेंस हो गया मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी का होगा जो 2 घंटे का होगा, मतलब 100 क्वेश्चन होगा आपका 200 मार्क्स का, मतलब हर एक क्वेश्चन का आपका 2 मार्क्स मिलेंगे, और इसमें क्या दो घंटे का समय मिला जाएगा। ये न्यूनतम अर्थात 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा हिंदी में, वरना उन्हें आयोग घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य हिंदी पद का प्राप्तांक मेधा निर्धारित नहीं किया जाएगा, मतलब आपका जो हिंदी का पेपर जो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, इसका जो आपका मेरिट के लिए आपका काउंट नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको 30% ले आएंगे तो बस पास हो गए। द्वितीय पद में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या जो 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि जो 2 घंटे होगी, और दूसरा जो आपका हिंदी हो गया पहला 100 क्वेश्चन रहेगा 200 मार्क्स का, और उसके बाद जो आपका उसमें आपका वो काउंट नहीं किया जाएगा आपका हिंदी, उससे क्वालिफाई नहीं छिड़ता है, उसके बाद आपका काउंट जो किया जाएगा आपका ये खो किया जाएगा, जो कि आपका 100 क्वेश्चन रहेगा 200 मार्क्स का रहेगा, आपका 2 घंटे अवधि मिलेगी। और दोनों चरणों के परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, मतलब 0.2 अंक, मतलब 0.20, मतलब 5 आप गलत कीजिएगा तो आपका जो 1 का जो सही आंसर काट लिया जाएगा, मतलब 5 गलत करने पे जो 1 का जो सही आंसर काट लिया जाएगा, मतलब 5 गलत करेंगे तो 1 जो है सही आंसर जो है काट लिया जाएगा। अब मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर लिखितियाँ 6 गुना बढ़ती हुई चयन कोटिवार मेधानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा, मतलब मुख्य आपका मेंस में जो आपका 6 गुना भर्ती का चयन किया जाएगा, मतलब ये आपका जो फिजिकल के लिए। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उत्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जाएगा। तृतीय चरण शारीरिक योग्यता एवं दक्षता परीक्षा, निर्मांकित शारीरिक योग्यता या दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होने अनिवार्य है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो है 1 माइल 1 मील
कि दौड़ के लिए जो समय 6 मिनट मतलब 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर मतलब 1600 मीटर जो है आपको 1600 मीटर जो सारे 6 मिनट में आपको मारना है, 6 मिनट 30 सेकंड में आपको जो 1600 मीटर करना है मतलब 1 माइल मतलब 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है आपका कितना सारे 6 मिनट में, 6 मिनट 30 सेकंड में। और अधिक समय लेने वाला अभ्यर्थी जो है आपका असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए जो है 1 किलोमीटर की दौड़ जो है 6 मिनट पूरा करना पड़ेगा मतलब 1000 मीटर जो आपको 6 मिनट दौड़ आपको दौड़ना पड़ेगा रनिंग करना पड़ेगा मतलब 1 किलोमीटर आपका 6 मिनट में। और ऊंची कूद सभी कैटेगरी के पुरुषों के लिए जो है न्यूनतम 4 फीट जो है ऊंची कूद जो है 4 फीट है और 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को जो असफल घोषित किया जाएगा। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए जो न्यूनतम जो है 3 फीट जो है मतलब ऊंची कूद है जिसको क्या कहते हैं हाई जंप कितना है पुरुष के लिए 4 फीट और महिला कितना है 3 फीट। ओलंपिक कूद मतलब लॉन्ग जंप जो है पुरुषों के लिए कितना आपका 12 फीट कितना है 12 फीट पुरुष के लिए जो है लॉन्ग फीट कितना आपका और हाई जंप आपका लॉन्ग जंप कितना आपका 12 फीट है पुरुष के लिए लॉन्ग जंप कितना है 12 फीट है और महिलाओं के लिए कितना आपका 9 फीट है कितना है महिलाओं के लिए 9 फीट तो महिलाओं के लिए ओलंपिक कूद मतलब लॉन्ग जंप कितना आपका 9 फीट है और पुरुष के लिए 12 फीट है। गोला फेंक जो है सभी कोटि के पुरुषों के लिए कितना रहेगा तो 16 पाउंड का गोला रहेगा और 16 फीट तक फेंकना है 16 पाउंड का गोला रहेगा न्यूनतम और 16 फीट तक फेंकना है और महिलाओं के लिए कितना है 12 पाउंड का गोला रहेगा 10 फीट तक फेंकना है महिलाओं के लिए। आपका देख लीजिए किस किस परीक्षा के लिए आपका देखिए किस किस कैटेगरी कितने पोस्ट हैं कुल पद कितने हैं तो अनुसूचित जाति में जो है 275 पोस्ट हैं अनुसूचित जाति के लिए कितने हैं 275 पोस्ट हैं और अनुसूचित जनजाति मतलब आपका ST के लिए कितना 16 पोस्ट हैं और अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब EBC का कितना 238 है और पिछड़ा वर्ग PC का कितना 107 है और पिछड़े वर्गों की महिला के लिए कितना 82 पोस्ट है और अनारक्षित मतलब अनरिजर्व का कितना 441 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितना 111 और ट्रांसजेंडर के कितना है 5 टोटल जो 1275 सीट है कितना है टोटल पोस्ट कितना आपका 1275 पोस्ट है। तो आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित पद कितने हैं और स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी के लिए आरक्षित महिलाओं के लिए जो है आरक्षित और महिलाओं के लिए 35% आरक्षित पद कितने हैं देख सकते हैं आप। और आपका ऑनलाइन जो आपका है बताया गया था 5/10/2023 मतलब 5 अक्टूबर 2023 से जो ऑनलाइन आवेदन पत्र मतलब फॉर्म जो आपको फिल होना स्टार्ट हो जाएगा 5 अक्टूबर 2023 से जो फॉर्म फिल होना जो स्टार्ट हो जाएगा आपका बिहार दरोगा का 5 अक्टूबर 2023 से। देख लीजिए आप ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य कितना रहेगा आपको देखिए अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी चाहे वे किसी भी कोटि या वर्ग के महिला पुरुष या ट्रांसजेंडर हो के लिए जो आपका 700 रुपया जो है रुपये आपको फॉर्म भरने का लगेगा। तो बिहार के मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी मतलब चाहे आपका OBC हो गया आपका जनरल हो गया OBC जनरल एवं जो है OBC हो गया जनरल हो गया एवं बिहार के बाहर के अभ्यर्थी चाहे किसी वर्ग से हो चाहे महिला हो या पुरुष हो या थर्ड जेंडर हो चाहे बिहार के बाहर का रहेगा तो उसको 700 रुपया दिया देना पड़ेगा। अब बिहार के हैं जनरल OBC तो उसको भी जो है 700 रुपया फॉर्म भरने का लगेगा और बिहार के जो मूल निवासी हैं जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग और पुरुष महिला राज्य के मूल निवासी और सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थी और थर्ड जेंडर वर्ग के कोटि के अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन जो है 400 रुपये लगेगा। तो आप जो इस वेबसाइट पर जाके जो फॉर्म फिल कर सकते हैं बिहार दरोगा का 5
10/2023 से, 5/10/2023 से आप फॉर्म भर सकते हैं। और आवेदन करने जो आपकी आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो आपका 5/11/2023 है, 5 नवंबर 2023 तक जो फॉर्म फिल होना अंतिम तिथि है। और स्टार्ट कब हो रहा है, 5/10/2023 से जो फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा बिहार रोगों का। और अंतिम तिथि क्या है, 5/11/2023 मतलब 5 नवंबर 2023 है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, तो लग जाइए तैयारी में लग जाइए। इस बार आपको जो बिहार रोगों का आपको एग्जाम निकाल लेना है। तो ये आपको सारी जानकारी देने का प्रयास किया गया इस वीडियो में। तो कैसा लगा आपको इस वीडियो लगा, और सारा आपका प्रिपरेशन करा जाएगा बिहार रोगा का और सारे एग्जाम का प्रिपरेशन करा जाएगा आपको इस चैनल पे। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारा प्रिपरेशन इस चैनल पे कराया जाएगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुका हूँ, तो आपको काफ़ी अच्छे से आपको बता पाऊँगा कि कैसे आपको क्वालिफाई करना है इस एग्ज़ाम को। तो चलिए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो, आपको सारी जानकारी देने का प्रयास किया गया इस वीडियो में। तो चलिए, इस वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।